दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब हाथ में लगी एक सुई को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो तब सुई के कारण हुआ छेद कुछ ऐसा दिखता है। और या फिर क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारी आंखों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो तब हमारी आंखें कुछ ऐसी दिखती है। हमारी आंखों में माइक्रो लेवल पर काम कर रही ब्लड वेसल और ब्लड सेल्स को साफ साफ देखा जा सकता है और 10 माइक्रोमीटर तक आंखों में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स को भी साफ साफ देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही मजेदार चीजों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे जिनको देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो चलिए देखते हैं। स्पर्म। दोस्तों, स्पर्म एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है जो सेक्स के जरिए फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एग से मिलता है जिससे फर्टिलाइज्ड एग बनता है और इस प्रोसेस से हम इंसानों की उत्पत्ति होती है। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मेल स्पर्म में ऐसा क्या होता है जिससे लाइफ की शुरुआत होती है? तो दोस्तों, इसी चीज को जानने के लिए जब स्पर्म को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो तब हमारे सामने कुछ बेहद ही हैरान कर देने वाला दृश्य सामने आता है। नंगी आंखों से देखने पर हमें स्पर्म एक व्हाइट फ्लूइड दिखता है, पर जब इसको माइक्रोस्कोप से जूम किया जाता है तो तब इसमें बहुत सारे जिंदा स्पर्म सेल नजर आते हैं जो वाटर और प्लाज्मा से बने इस फ्लूइड में तैर रहे होते हैं। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक बार में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से 100 मिलियन स्पर्म सेल रिलीज होते हैं, पर फीमेल एग को फर्टिलाइज करने के लिए यानी माँ के पेट में जीवन की उत्पत्ति करने के लिए एक स्पर्म सेल ही काफी होता है और इसी में पिता के डीएनए की सारी जानकारी होती है, जो कि एक चौंकाने वाली बात है। कोरोना वायरस ऑन मास्क। दोस्तों, शायद ही धरती पर कोई ऐसा इंसान मौजूद होगा जिसको कोरोना वायरस के बारे में नहीं पता हो, क्योंकि कोरोना वायरस के बारे में आज बच्चा बच्चा जानता है। पर रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट के अलावा दुनिया में कुछ ही % लोग हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को माइक्रोस्कोप में देखा है। पर दोस्तों, इस वीडियो में कोरोना वायरस के पेशेंट का मास्क लिया गया और इसको माइक्रोस्कोप के जरिए देखा गया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे मास्क को माइक्रोस्कोप से जूम किया जा रहा है। जैसे जैसे मास्क को जूम किया जाता है वैसे वैसे एक अलग ही दुनिया उभर कर दिखाई देने लगती है और जब माइक्रोस्कोप 50 नैनोमीटर तक मास्क को जूम कर देता है तो हमें कोरोना वायरस साफ साफ दिखाई देने लगता है। ह्यूमन ब्लड। दोस्तों, हमारा खून सॉलिड्स और लिक्विड पार्ट से मिलकर बना होता है। खून के लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा भी कहा जाता है जिसमें वाटर, साल्ट और प्रोटीन होता है, और खून के सॉलिड पार्ट में व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती हैं, जो खून का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। पर जब हम खून को नंगी आंखों से देखते हैं तब तो हमें ये सारी चीजें नजर नहीं आती हैं। पर दोस्तों, जब खून को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो तब हमें खून में मौजूद एक अलग ही दुनिया दिखाई देने लगती है। ब्लड को 1000 गुना मैग्नीफाई करने पर सबसे पहले हमें रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स दिखाई देने लगती है जो खून के लिक्विड पार्ट में तैर रही होती है। हेयर। दोस्तों, ह्यूमन हेयर हमारी हड्डियों के बाद दूसरा सबसे तेजी से ग्रो करने वाला टिश्यू होता है जो मोस्टली केराटिन से बने होते हैं। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर पर मौजूद आम से दिखने वाले बाल माइक्रोस्कोप से कैसे दिखते हैं? इसी चीज को जानने के लिए मिस्टर इंडियन हैकर ने डिजिटल माइक्रोस्कोप से बालों को 1000 गुना मैग्नीफाई करके देखा, जिनको आप इस वीडियो में भी देख सकते हो। और ये क्या है, क्या ये? और गाइस, जो दाढ़ी के इसके बाल हैं, अबे दाढ़ी किससे बनाता है तू, हैं? कुल्हाड़ी से बनाता है क्या? और गाइस, जो दाढ़ी के बाल हैं वो ऐसे लिखाई दे रहे हैं जैसे कि मतलब भाले हों, काफी तीखे, यकीन नहीं हो रहा ऐसा लग। माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों, आपने माइक्रो प्रोसेसर को स्मार्टफोन्स के मदरबोर्ड या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जरूर देखा होगा जो देखने में काफी ज्यादा छोटे होते हैं, और माइक्रो प्रोसेसर के कारण ही हमारे कंप्यूटर और स्मार्टफोन इतने फास्ट हो पाए हैं। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से माइक्रो प्रोसेसर से हम अपने स्मार्टफोन में इतना कुछ कैसे कर पाते हैं? असल में इसके अंदर क्या चीजें होती हैं? तो इसी चीज को जानने के लिए जब माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो तब माइक्रो प्रोसेसर में बने अरबों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर हमें साफ साफ दिखाई देने लगते हैं जिनका साइज 7 नैनोमीटर तक का होता है। और दोस्तों, इन्हीं करोड़ों ट्रांजिस्टर की वजह से आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो जो आपकी डिस्प्ले के पिक्सल्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों, माइक्रोस्कोप से देखने के बाद हमें पता चलता है कि एक सिलिकॉन चिप
चिप अपने आप में इंजीनियरिंग का एक अनोखा नमूना होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।